जय उत्तम वश मुंडन में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर चमोली की पोखरी से। एक तरफ देश कोरोना जैसी महामारी को झेल रहा है, वहीं हमारे देश के कुछ विभाग इस बीमारी को डटकर सामना कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर, पुलिसकर्मी और नगर में सफाई व्यवस्था को देखने वाले सफाई कर्मचारी भी हैं। इस कोरोना महामारी जैसी संकट से निपटने के लिए जिस तरह राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है, साथ ही पोखरी के खाली दंपतियों ने भी ऐसे कर्मियों का फूलों से बरसात करके पुलिस विभाग के कर्मचारियों का स्वागत किया। बता दें, पोखरी पुलिस का आज नगर की जनता ने उस समय स्वागत किया जब पेट्रोलिंग करने निकली और नगरवासियों ने उन पर फूलों की बरसात करती। इस संदेश यह संदेश देने की कोशिश की गई कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, न कि दुश्मन। पब्लिक का यह अंदाज देखकर पुलिस विभाग के कर्मचारियों का भी हौसला बढ़ गया और उन्होंने अभिनंदन स्वीकारते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा कि हम लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और लगातार जागरूक कर रहे हैं और जनता के सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं और जनता को बता रहे हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और अपने घरों में रहें। देखिए हमारे सहयोगी नीरज कंडारी के पास के जितने युवक मुंबई, पुणे, बेंगलोर या अन्य क्षेत्रों से आए हैं, उनको वहाँ पर ब्रीफ किया गया मोहनखाल में और उनको बताया गया कि आपको जो है स्ट्रिक्टली 14 दिन का क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन आपको फॉलो करना होगा। हम लोग लगातार ग्राम प्रधानों के, ग्राम प्रहरियों के, आशाओं के संपर्क में रहे और जिन लोगों ने इस पर अमल नहीं किया उनके विरुद्ध हमने कार्रवाइयाँ की हैं। लॉकडाउन का हमने 100% पालन कराया है। उच्चाधिकारी गणों का जो भी पालन आदेश आया हमने उसका पालन कराया। सैनिटाइज किया गया है उनके द्वारा मोहनखाल में भी, जिस जगह पे बाहर के युवक आके रहते थे वहाँ काफी देर खड़े रहते थे, हम लगातार उस जगह को सैनिटाइज कराते थे। साहब हमारे साथ जो है दिन में रहते थे वहाँ 12 घंटे, डॉक्टर साहब वहाँ नहीं है मोहनखाल में। बात यह है कि जो डॉक्टर हो गए और पुलिस प्रशासन हो गया जो 24 घंटे देश सेवा में लगे हुए हैं, मैंने ये फूल खुद हमारी फूल का हमारी खेती है जो कि मंजरू में हमारे ये फूल जाता था, तो हमारी पत्नी ने बोला है कि जो देश की सेवा कर रहे हैं वो भी एक भगवान का रूप है और हमने ये माला है स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन और जो ये सफाई कर्मी जो कि 24 घंटे अपने ड्यूटी दे रहे हैं उनके लिए मैंने, हम और तहसील प्रशासन के लिए भी हमने ये फूल मालाएं बनाई हैं और इनको समर्पित कर रहे हैं। मैं अभी वही बात कह रहा था कि हमारे तहसील के अंतर्गत हमारे पुलिस प्रशासन ने, हमारे तहसील के रेवेन्यू स्टाफ ने, हमारे नगर पंचायत के लोगों ने इतना शिद्दत से इसमें काम कर रहे हैं हमारे लोग, जबकि कोई बड़ा अधिकारी जो मजिस्ट्रेट है, अभी वही बात मेरी चल रही थी कि हमारे यहाँ जो कार्यवाहक मजिस्ट्रेट भी हैं एक दिन के लिए भी यहाँ नहीं आया, बावजूद उसके हमारे पुलिस प्रशासन ने, हमारे रेवेन्यू पुलिस ने, हमारे तहसील प्रशासन ने, हमारे नगर पंचायत के लोगों ने बहुत शिद्दत से काम करके आज तक हमको सुरक्षित रखा हुआ है। इस बात के लिए इनका हम आजन्म आभारी रहेंगे इन लोगों के। इन्होंने बहुत अपने कैपेसिटी से ज़्यादा, अपने सामर्थ्य से ज़्यादा ये लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं प्रशासन से, मेरी बड़ी नाराजगी है कि जितने मजिस्ट्रेट यहाँ पर जिन जिन के पास चार्ज है, एक दिन के लिए भी कोई आकर के यहाँ पर कोई गाइडलाइन देने के लिए या कर्मचारियों के हौसला अफजाई के लिए या कर्मचारियों के परेशानी समझने के लिए एक भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है, ये खेल का विषय है। मैं 30-40 मार्क्स पर डे बनाती हूँ और क्षेत्र के लोगों के लिए करती हूँ। ये प्रेरणा हमें आप लोगों से ही मिली है, प्लीज कर्मचारी भाइयों, इन महिला प्रशासन पोखरी के समस्त सेवा दे रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, यहीं से हमें प्रेरणा मिलती है। हमने घर में ये फूल बगीचे थे, मैंने इनसे थोड़ा फूल निकाल कर इनमें से थोड़ा थोड़ा इन भाई लोगों के लिए जो समाज सेवा के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए ये मालाएं समर्पित। यातायात का है लॉकडाउन को लेके, उसमें हम सभी लोगों की, जैसे हम लोगों की ड्यूटी लगती है मॉर्निंग में, तो हम इसी के दृष्टिगत, लॉकडाउन के दृष्टिगत उन पर कार्यवाही करते हैं। हालांकि मोस्टली लोग उसमें यातायात के नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो पालन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कार्यवाही की जा रही है। हम लोगों के द्वारा अनाउंसमेंट में बताया भी जा रहा है कि जैसे कि 7 से 1 बजे तक का जो टाइम है उसमें 2-व्हीलर अलाउ है, लेकिन 2-व्हीलर में भी सिर्फ एक पर्सन ही उसमें जा पाएगा और अपना जो आवश्यक सामान है उसको लेके आएगा। अनावश्यक 4-व्हीलर के लिए हमारी तरफ से कोई वो नहीं है कि वो चलने देंगे हम, और जिसका बहुत ज़रूरी काम है या इमरजेंसी है या हॉस्पिटल जाना है तो उनको परमिशन दे के हम लोग जहाँ उनका काम है वहाँ भेज दे रहे हैं।
पर डे लगभग हमारे उसमें एक दो गाड़ियां सीज हो जा रही हैं और कुछ का नगद चालान किया जा रहा है। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।